शुक्रवार को सर्राफा व्यापारी से हुई लूट के बाद व्यापारी वर्ग में दहशत है और शनिवार को तमाम व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद करके रेवाड़ी के मोती चौक पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। व्यापारी लगातार आरोपी को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। किस तरीके से एक सर्राफा व्यापारी से गन प्वाइंट पर लूट की गई, उसके बाद व्यापारियों में दहशत का माहौल है, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग तरीके से। और इस वारदात के बाद पुलिस के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर आरोपी की धरपकड़ शुरू कर दी है, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस वारदात से तमाम व्यापारी वर्ग सहमे हुए हैं। उनका आरोप है कि ये तमाम चीजें पुलिस की नाकामी के चलते हुई है। किस तरीके से यहाँ बेखौफ है बदमाश, किस तरीके से व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है। और आज जब व्यापारियों ने मोती चौक पर धरना प्रदर्शन शुरू किया हो तो उसके बाद बाजार को बंद कर दिया गया और बाजार खुलवाने के लिए पुलिस के अधिकारियों को मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन व्यापारियों ने बाजार नहीं खोला। हालांकि छुटपुट दुकानें खुली हुई है, लेकिन तमाम व्यापारियों में आक्रोश और गुस्सा है कि किस तरीके से दिन दहाड़े बदमाश दुकान में घुसता है, हेलमेट पहन के एक थैला लेके उसमें से गन निकालता है और दुकानदार पर तान देता है और तमाम जो है वहां से सोना चांदी शोकेस से खुद ही निकाल करके कैश लेकर के चला जाता है। और जैसे ही इस वारदात का पता चलता है तमाम व्यापारी इकट्ठा हो जाते हैं उस ज्वेलर्स के बाहर, किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया जाता है। हालांकि पुलिस लगातार आश्वासन दे रही है कि आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के दावे हैं वो कहीं ना कहीं हवा हवाई है। 24 घंटे हो गए हैं इस वारदात को, लेकिन आरोपी अभी तक पकड़ में नहीं आया है। जाहिर है व्यापारियों में गुस्सा है, आक्रोश है और बाकायदा बैनर लगा करके जो है घंटेश्वर मंदिर पर धरने पर बैठ गए हैं आरोपी। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग तरीके से। बाजार में सन्नाटा है, चुटपुट दुकानें खुली है, व्यापारियों में आक्रोश है, व्यापारी लगातार मांग कर रहे हैं और बाकायदा तमाम व्यापारी इकट्ठा होकर के जो है मार्च भी उन्होंने निकाला है, लोगों से शांति की अपील की है। लूट के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बाजार में सीसीटीवी कैसे गायब थे, क्यों नहीं बाजार में सीसीटीवी को लगाया गया। साथ के अंदर दुकानदारों को लेकर के भी अलग अलग चर्चा है कि ज्वेलर्स क्यों नहीं अपनी दुकानों पर गार्ड रखते, जिनका इतना मोटा काम है उनको अपनी दुकानों पे सुरक्षा के लिहाज से गार्ड रखना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बाजार में जो धरने पर व्यापारी बैठे हैं उनकी जुबानी अलग अलग चर्चा है। उनका कहना है कि जो बड़े दुकानदार हैं उनको अपनी दुकानों पर गार्ड रखने चाहिए जिनके मोटा काम है। आखिर ऐसे में पुलिस भी एक एक दुकानों की निगरानी कैसे करेगी। लगातार मोती चौक पर पुलिस चौकी बनाने की बात उठ रही है, उस पर भी संज्ञान प्रशासन को लेना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए। किस तरीके से आज जो रेवाड़ी के हालात है, क्राइम कैपिटल रेवाड़ी बनता जा रहा है। नए पुलिस अधीक्षक आए थे, उन्होंने बकायदा बदमाशों को चेतावनी दी थी कि बदमाश शहर छोड़ कर के चले जाएं और जो गलत काम करने वाले हैं वो अपना रवैया बदल ले। लेकिन लगता है पुलिस अधीक्षक के आदेशों का या चेतावनी का बदमाशों पर कोई असर नहीं हुआ है और लगातार व्यापारी खौफ के साए के अंदर है। जो ये दिन दहाड़े वारदात हुई ये बहुत कुछ बयां कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस उस बदमाश को कब तक पकड़ पाती है और उससे सामान और कैश बरामद करती है, ये देखने वाली बात होगी। और बाजार आज शनिवार को बंद है। फिलहाल इतना ही, फिर आते हैं किसी और खबर पे, तब तक के लिए नमस्कार।